दोस्तों ये है जॉन और जैक, और ये दोनों ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक अच्छी सी कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी भी सेम है जो कि 50,000 रुपये पर मंथ की है। तो जॉन, जिसका ये मानना है कि मैं पैसा कमाता हूँ ताकि मैं ऐसी चीज़ें खरीद सकूँ जो मेरा सपना है, जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन। और जॉन का सैलरी आते ही 45,000 उसके EMI और अदर खर्चों में चले जाते हैं, क्योंकि उसे खुद का स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और जॉन के पास महीने के आखिर में मात्र 1 से 2 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं, लेकिन वो इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जॉन बिलीव करता है कि उसके पास तो नौकरी है तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। पर कुछ समय बाद जॉन की शादी हो जाती है और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तब उसे ये एहसास होता है कि काश मैंने भी 2 पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा लिया होता, क्योंकि अब जॉन अकेला नहीं रहा, उसे और 3 लोगों को पालना पड़ता है और खुद का भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखना ही है। लेकिन जॉन ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाता और कुछ ही समय बाद उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है, घर, गाड़ी और जो भी वो शौक के तौर पर लिया करता था। और उसे अपना स्टैंडर्ड भी छोड़ना पड़ता है। जहाँ वो 5,000 रुपये का जीन्स पहना करता था, वही अब उसे 500 रुपये वाले जीन्स में काम चलाना पड़ता है। ओवरऑल जॉन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत स्ट्रगल कर रहा था और साथ में वो अपने फैमिली को भी खुश नहीं रख पा रहा था। अब चलते हैं जैक की तरफ। तो जैक भी हर महीने 50,000 रुपये ही कमाता था, लेकिन वो जॉन की तरह फिजूल खर्चे नहीं करता था, ना उसके ज़्यादा डिमांड्स थे। उसका बस एक ही सपना था कि 40 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना, और उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर भी करता था। जैसे कि वो अपने सैलरी का 60% सेव करता था और उस पैसे से वो एसेट्स खरीदता था, और बचे हुए 40% पैसों से वो अपना खर्चा चलाता था। बाद में जैक की भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, पर उसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही उसे अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ा। और 40 साल होने के बाद जॉन ने इतने एसेट्स जमा कर लिए थे कि अब वो एक फाइनेंशियली फ्री बन चुका था, मतलब अब उसे जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों ये थी जॉन और जैक की कहानी। अब आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, पर 100% लोगों का जवाब यही होगा कि हमें जैक की जैसा बनना है। तो जैक की कहानी में हमें 2 वर्ड सुनने को मिलते हैं, पहला फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा एसेट्स। और आज का टॉपिक भी यही है कि कौन कौन से एसेट्स खरीदा जाए जिससे हम भी अमीर बन पाएँ, फाइनेंशियली फ्री बन पाएँ। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहा जाता है जहां पर आपको कोई एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिना काम किए भी आराम से गुजार सकते हो। ये 2 तरह से अचीव किया जा सकता है। पहला, आपके पास अचानक से अरबों खरबों रुपये आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एसेट्स खरीदें और उसके ज़रिए अमीर बने। तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना पैसा हमें मिल जाए जिससे हम खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम बोल सकें और हम अपना जॉब छोड़ने का रिस्क भी ले सकें? तो इसके लिए बस आपको एक कैलकुलेशन करना है। आप हर महीने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद के खर्चे देखिए। जैसे मान लेते हैं राम का हर महीने का खर्चा है 50,000 और श्याम का खर्चा है 25,000। तो राम के पूरे साल का खर्चा हुआ 6 लाख रुपये और श्याम के पूरे साल का खर्चा हुआ 3 लाख रुपये। अब इस एक साल के खर्चे को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो राम के केस में हम 6 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और श्याम के केस में 3 लाख को 30 से, तो 6 लाख × 30 = 1,80,00,000। तो राम को फाइनेंशियली फ्री अचीव करने के लिए 1,80,00,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी और वही श्याम को 90,00,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियली फ्री अचीव करने के लिए। तो जब इन दोनों के पास इतने पैसे आ जाएं, तब ये फाइनेंशियली फ्री कहलाएंगे और ये अपना जॉब छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपको पैसा कमा कर दें, जैसे घर, सोना, चांदी, कमर्शियल व्हीकल, शेयर्स, ये सब। इन चीज़ों को आप खरीदते हो तो इसके 2 फायदे हैं। पहला, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, और दूसरा, वक्त के साथ साथ इनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एसेट्स बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्द अमीर भी बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला एसेट है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट इस लिस्ट में पहले नंबर पर इसी कारण है क्योंकि एक घर ही ऐसा चीज़ है जो हर किसी का सपना होता है, और घर जमीन को ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें आपको 3 तरह के फायदे होते हैं। पहला, इसमें आप रेंटल इनकम कमा सकते हो। दूसरा, इसमें आप टैक्स भी बचा सकते हो। और तीसरा, आप इसके एप्रिसिएशन का भी फायदा उठा सकते हो। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम एक घर ले सकें, तो आप लोन लेकर भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हो। और एक प्रॉपर्टी के लिए
बैंक भी आपको आसानी से लोन दे देता है। अब लोन से घर लेने के बाद जितने भी उसकी मंथली EMI है उतना ही आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा दीजिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको अपने जेब से कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ा और कुछ साल बाद लोन की EMI कंप्लीट होने के बाद वो घर फ्री में आपका हो जाएगा और उसके बाद जो रेंटल इनकम आएगा वो पूरा आपका होगा और कुछ सालों में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हर तरीके से आपका ही फायदा होगा। और एक रिसर्च में ये देखा गया है कि 80% जितने भी अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते ही हैं। दूसरा एसेट है स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो इससे अच्छा एसेट कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी एसेट जब रिटर्न देते हैं तो वो परसेंटेज में रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर आपने सही स्टॉक्स खरीद लिया तो ये आपको रिटर्न देता है मल्टीप्लाई में, मतलब कुछ ही सालों में ये आपका पैसा 5 से 10 गुना कर सकता है। लेकिन रिस्क की बात की जाए तो स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये आपका पैसा डुबा भी सकता है। और ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में यही सोच कर आते हैं कि उनका पैसा भी 1 साल में 4 गुना या 5 गुना हो जाएगा, पर ऐसा होने का बहुत ही कम चांस होता है। असल में आपको स्टॉक को एक एसेट के रूप में देखना चाहिए जिससे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहे, मतलब कि वैल्यूएबल स्टॉक्स। हालांकि ये आपका पैसा 1 साल में तो डबल नहीं करेगा, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस बात की गारंटी रहती है। और स्टॉक मार्केट में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स की अच्छी खासी जानकारी हो। स्टॉक का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें कम पैसों से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेट है इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम और बाकी एसेट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देता है। ये एसेट उन लोगों को प्रीफर करना चाहिए जो अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं और रिस्क भी कम लेना चाहते हैं और स्टॉक एनालिसिस करने में अपना माथापच्ची नहीं करना चाहते। तो इंडेक्स को आप आसान भाषा में निफ्टी और सेंसेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाम आपने सुना ही होगा। तो इंडेक्स में बेसिकली इंडिया के टॉप कंपनी ही शामिल होते हैं, जैसे अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 लार्ज कैप कंपनी रहेंगी, सेंसेक्स में टॉप 30 लार्ज कैप कंपनी रहेंगी, निफ्टी मिड कैप इंडिया में टॉप 100 मीडियम कैपिटल वाले कंपनीज रहेंगे और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में टॉप 100 स्मॉल कैपिटल वाले कंपनीज रहेंगे। तो इसमें से आप कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और बिल्कुल सेम म्यूचुअल फंड भी है, पर इसमें और भी कैटेगरीज आ जाते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल वीडियो में जल्द ही बनाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट एसेट की तरफ, जो है गोल्ड या सिल्वर। बहुत सारे लोगों का शौक ये भी होता है कि वो अपने गले या हाथ में सोना चांदी पहने, खासकर फीमेल्स को। और सोना खरीदने का भी आपको 2 फायदा मिल जाता है। पहला तो ये एक अच्छा एसेट है जिसमें आपको सालाना 9 से 10% रिटर्न मिल जाता है, मतलब हर साल इसका रेट 9 से 10% से बढ़ता है। और दूसरा, ये एक ऐसा फिजिकल एसेट होता है जो आप ज्वेलरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला एसेट है कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों, मैंने अपने आसपास के कई लोगों को देखा है जो लोन वगैरह लेकर एक ट्रक खरीद लेते हैं और देखते ही देखते 4 से 5 सालों में उन्हीं के पास 5 से 6 ट्रक भी खड़े हो जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल भी एक ऐसा एसेट है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। जैसे हम ट्रक को ही ले लेते हैं, आप 12-15 लाख रुपए का एक ट्रक खरीदते हो और उसे या तो ट्रांसपोर्ट लाइन में लगा दो या किसी माइंस वगैरह में, फिर आपको इस एक ट्रक से महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये इनकम तो आना ही आना है। और यही एक ऐसा एसेट है जिसमें आप एक्टिवली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको ट्रक नहीं खरीदना तो ऐसा गाड़ी खरीद सकते हो जिसे आप किराए पर दे सको, और बहुत से लोग इसे ही अपना बिजनेस बनाए हुए हैं। और सबसे आखिरी एसेट है हम खुद। देखिए, ये बात तो है कि कोई भी एसेट खरीदने के लिए आपको पैसा तो लगेगा ही, और उसके लिए आपको काम करना भी ज़रूरी है। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, आपका टैलेंट क्या है उसे पहचान सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं वो एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो एक इंसान के जितना अच्छा एसेट कोई और नहीं। तो आपको हमेशा खुद को ग्रो करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।